दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर रिस्पेक्टिवली 12.5 एंड 13 यूनिट्स एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो यहां पर वेक्टर ए दिया हुआ है कितना है 12, वेक्टर बी दिया हुआ है 5 और वेक्टर सी दिया है 13। तो यहां पर वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ रहा है। तो यहां पर 13 इज इक्वल टू 12 प्लस 5 आ रहा है, तो ये कैसे आएगा? तो हमको जो थीटा है वो निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 13 इज इक्वल टू अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 × 12 × 5 × cos थीटा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ दोनों साइड में स्क्वायर ले लेता हूँ। तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? तो वो आएगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25 प्लस 12 बचे 60 और ये दो 120 cos थीटा आ रहा है। ठीक, यहाँ पर शायद प्लस का साइन चाहिए। ठीक, हाँ ओके, 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25 कितना होता है? 169 होता है प्लस 120 cos थीटा। अब 169 मर जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 120 cos थीटा, सॉरी गलती हो गई अपने से। ठीक है, तो यहां पर ये 0 आना चाहिए, मैंने गलती से 1 लिख दिया। तो 0 इज इक्वल टू 120 cos थीटा। ठीक, तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू कितनी आती है? तो वो आती है 0। और cos थीटा 0 कब आता है भाई? जब थीटा हमारा 90 डिग्री होता है तभी हमारी cos थीटा की वैल्यू 0 आती है। तो 90 डिग्री कहाँ है? पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री। तो सी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ।